नमस्कार मित्रों, कोरोना काल के बाद बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है आप, आपके परिवार, आपके यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्र में सरकार है और कई राज्यों में अकेले और कईयों में गठबंधन की सरकार चला रही है। कहते हैं कि एक हाइट पर पहुंचना, एक मुकाम हासिल करना आसान होता है, लेकिन उस पर सस्टेन करना, मेंटेन रखना उसको और वहां पर बने रहना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी जद्दोजहद में लगी हुई है। जहां पर सरकारें नहीं है वहां सरकार बनाए, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखे और पार्टी का और ज्यादा विस्तार करती रहे। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रदेशाध्यक्ष चेंज किए हैं। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और बैलेंसिंग बनाते हुए हरियाणा की कमान भी एक ऐसे व्यक्ति को दी है जो बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा है। शाखा में मुख्य शिक्षक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच और मोदी जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का, उसके अंदर राष्ट्रीय संयोजक की भूमिका निभाई। साथ साथ किसान मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय स्तर पर 2 बार अध्यक्ष भी रहे, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री रहे और इन दिनों अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व उन्हें मिला है। हम बात कर रहे हैं ओपी धनखड़ जी की। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। भारतीय जनता पार्टी के नव नियुक्त हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साधारण कार्यकर्ता से लेकर सत्तारूढ़ दल के मुखिया बनने तक के सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वरिष्ठ नेताओं की नजर में खुद को कई बार साबित कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब हरियाणा की कमान थामे हुए थे, तब ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी में महामंत्री थे। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब हर चुनाव में ओपी धनखड़ को गुजरात में अहम जिम्मेदारियां दी गईं। 2014 में मनोहर लाल खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में ओम प्रकाश धनखड़ बादली विधानसभा से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद हरियाणा सरकार में उन्हें कृषि, मत्स्य, नहरी मंत्री बनाया गया, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में धनखड़ चुनाव हार गए। अगर इससे पहले के उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए तो 1978 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वो जुड़े। इसके बाद विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरी निष्ठा के साथ काम किया और वहीं से उन्होंने धीरे धीरे संगठन में जगह बनाई। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय और क्षेत्रीय इकाइयों में कई अहम पदों पर काम किया। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लॉकडाउन से पहले ही चर्चा हो रही थी, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़ का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। हालांकि कई नामों पर विचार किए गए, लेकिन सहमति धनखड़ के नाम पर बनी। धनखड़ जाटलैंड कहे जाने वाले रोहतक से हैं। वो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ को भी उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर काफी खुशी हुई है। अनुभव भी धनखड़ का प्लस पॉइंट रहा है। वे संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्लस माइनस के लिए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। धनखड़ जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में स्वागत है। पहले आप हरियाणा सरकार में मंत्री थे और अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपको मिली हुई है। दोनों पदों में से कौन सा आपका ज्यादा पसंदीदा पद है? इससे पहले एक दूसरे सवाल का उत्तर देके फिर मैं आपके सवाल पर आता हूँ। मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले हिमाचल प्रदेश में प्रभारी था, सह प्रभारी की जिम्मेवारी थी मेरे पर। और जब मैं अध्यक्ष बना किसान मोर्चा का, तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि आप अब अध्यक्ष बने हो, पहले प्रभारी थे, तो दोनों दायित्वों में क्या अंतर है? तो मैंने कहा प्रभारी का मतलब होता है सबको कहना लाइन में चलो, डिसिप्लिन में रहो, लेकिन अध्यक्ष का मतलब होता है धुंध में आगे आगे गाड़ी चलाना, रास्ता आपको बनाना होता है। मंत्री में भी मैं ये कहूँगा कि जो काम आपके जो में पर्टिकुलर, आप केवल उस पर्टिकुलर सेक्शन को एड्रेस करते हो,
और उसी के लिए नीति योजनाएं बनाते हो। ये ठीक है कि आप मंत्रिमंडल में पूरे प्रदेश के लिए दायित्ववान होते हो, लेकिन आपका सारा का सारा स्पेसिफिक जो ध्यान है वो अपने मंत्रालयों पर होता है। मेरे जो में कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, पहले नहर था और मेरे पास पंचायत विकास विभाग था, बाद में नहर की बजाय माइन आ गया था, तो उस समय दायित्व ये था कि उस समय मैं उस पर अपना बेस्ट दूँ। लेकिन अब मेरे जिम्मे दायित्व संपूर्ण पार्टी का है और सारी पार्टी किस तरह से मैं कहूँगा कि प्रदेश में उसकी अपनी जगह बढ़ती चली जाए और पार्टी अपना बेस्ट दे। मैंने अध्यक्ष बनते ही एक वाक्यांश सबके लिए कहा है, गिव योर बेस्ट टेक अदर्स बेस्ट। बहुत अच्छा। दूसरी बात जो मैंने कही है वो कही है कि हमारे नेता ने एक काबिलियत दिखाई है और एक वो मुहावरा बन गए हैं, मोदी है तो मुमकिन है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, शास्त्री जी तक तो हम छोटे थे लेकिन इंदिरा जी तक हम कॉलेज में भी आ गए थे, बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को देखा, लेकिन ये उपमा पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिली कि मोदी है तो मुमकिन है। और बहुत ही, जैसे हम कई बार कहते हैं ना, असाध्य रोगों का इलाज यहाँ किया जाता है, आर्टिकल 370 जैसा, राम मंदिर जैसा, नोटबंदी जैसा, ऐसे सोच नहीं सकते थे, ऐसे सारे विषयों को वो लेकर आए, इसलिए उनके लिए ये। तो मैंने इसमें एक आधा वाक्य और जोड़ा है अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित के लिए, मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी है तो उपलब्ध है, कि हमारे घर के पीछे सांकल नहीं होनी चाहिए। यानी हम अगर राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर आगे खड़े हैं तो कोई भी आके दरवाजा खटखटाए तो उसके लिए खुलना चाहिए, बीजेपी का कार्यकर्ता उसके लिए उपलब्ध होना चाहिए। धनखड़ जी, आपके सार्वजनिक जीवन की यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा के मुख्य शिक्षक से शुरू हुई, आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुए, स्वदेशी जागरण मंच में भी रहे, भारतीय किसान मोर्चा के 2 बार अध्यक्ष भी बने, इसके बाद आप हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम के भी सदस्य रहे। सबसे मुख्य जो इसमें मुझे लगता है, आप जो नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम पर स्टेचू ऑफ यूनिटी का, सरदार पटेल की मूर्ति लगाने का, उसका भी आपको राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, कैसा अनुभव रहा, क्या कुछ आपने उसमें किया? स्टेचू ऑफ यूनिटी का दायित्व जिस समय मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था उसी समय गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेचू सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक के रूप में बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें पूरे देश के किसानों के लोहा, जो इस्तेमाल किया हुआ लोहा है वो, और उसके खेत की मिट्टी, ये हम संग्रहित करना चाहते हैं स्टेचू के लिए। और उन्होंने मुझे कहा कि आपने देश भर में इस काम को करना है। मेरे लिए बहुत बड़ी ये सौभाग्य की बात थी कि ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिए उन्होंने मुझे चुना, और मैंने देश के हर हिस्से में जाकर उस समय इसके लिए कार्यकर्ताओं की पूरी श्रृंखला खड़ी करके, मैं आपसे 2-3 बातें साझा करना चाहूँगा। मैं जब हैदराबाद में गया आंध्र प्रदेश के लोगों को इसके लिए बात करने के लिए, तो उस दिन बहुत इमोशनल दृश्य था, बहुत भावुक थे वहाँ के लोग। उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि धनखड़ जी, आज आप जिस काम के लिए आए हो, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आपको वीजा और पासपोर्ट लेकर आना पड़ता। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए, हम पर तो उस दिन घोड़ा पुलिस दौड़ाई गई थी, हम तिरंगा फहरा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट हो रही थी, हमको जेलों में ठूसा गया था। हम तो 24 सितंबर 1948 को आजाद हुए जब सरदार पटेल ने यहाँ सेना भेजी और तब हमको यहाँ आज़ादी मिली निजाम से। तो हमारे लिए बहुत ही भावुक पल ये है, सरदार पटेल जितने हमारे हृदय में बसते हैं उनका जो स्थान है, मुझे वो दिल को छूने वाली बात कि हम सारे देश में 15 अगस्त 1947 और इस सब पर जाते हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों को किस प्रकार सरदार ने एकजुट किया, उसकी एक जीवंत कहानी मेरे सामने खड़ी हो गई थी। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में गया तो वहाँ के लोगों ने भी मुझे ऐसा ही कहा, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले नहीं होते और सरदार पटेल नहीं होते तो आपको यहाँ वीजा और पासपोर्ट लेके आना होता, हम भारत का हिस्सा नहीं होते। धनखड़ जी, जब केंद्रीय नेतृत्व के सामने हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय करने की बात आई होगी तो बहुत सारे नाम थे, उनमें केंद्रीय मंत्री भी थे, हरियाणा के मंत्री भी थे और भी कई तरह के प्रदेश स्तर के नेता थे।
उन सब को दरकिनार करते हुए आप ही को ये जिम्मेवारी क्यों मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी की तीन प्रशंसा आपसे करना चाहूंगा। एक तो भारतीय जनता पार्टी में किसी की भी साधारण से असाधारण की यात्रा हो सकती है। बाकी पार्टी मोदी जी की यात्रा को देखते हैं, वो भी मोदी जी की है, नड्डा जी की है, मनोहर लाल जी की है, शिवराज जी की है, यहाँ सबकी साधारण से असाधारण की यात्रा है। सामान्य परिवारों से आए हुए नौजवान बच्चे मेहनत करते हैं जिंदगी भर, तो इस पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, अन्य अनेक मंत्री बन सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये बीजेपी में ही संभव है। बाकी बहुत सारी पार्टियों में एक लेवल तक आपको जाने देते हैं, छत के ऊपर परिवार रहता है। दूसरी विशिष्ट बात यह है कि यहाँ किसी भी साधारण कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ने का मौका दे देते हैं। बाकी पार्टियां संपन्न आदमी को ढूंढती हैं, प्रभावशाली को ढूंढती हैं। बीजेपी में अनेक ऐसे लोग, मेरे जैसे लोग, जिनके पास जमानत के पैसे भरने के लिए भी नहीं होते, ऐसे लोग चुनाव लड़कर आए हैं। तीसरी बात यह है कि बीजेपी में मुझे जितने भी दायित्व मिले, जब मिले तो मुझे जानकारी नहीं थी। लॉबिंग की बात तो दूर है, मुझे जब प्रदेश का महामंत्री बनाया तो मैं जिला अध्यक्ष बन गया था 3 महीने पहले। आप 3 महीने का जिला अध्यक्ष सोचता है कि आपको स्टेट जनशक्ति बनाएंगे? कभी नहीं, नहीं सोचता ना। जब मुझे नेशनल सेक्रेटरी बनाया तो मैं स्टेट में जनरल सेक्रेटरी था और अपने घर पे काम कर रहा था। वेंकैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका फोन आया कि मैं आपको अपनी टीम में नेशनल सेक्रेटरी ले रहा हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने कहा सर अच्छा करूंगा, पता ही नहीं था। बल्कि सच यह है कि पहले मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था कि नेशनल सेक्रेटरी कौन कौन है और क्या काम करते हैं। और इसी तरह से जब मुझे किसान मोर्चा का दायित्व दिया तो पटना में एक पार्टी की मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग करके वापस लौट रहे थे, रेल में थे, तो फोन आ गया कि आपको तो किसान मोर्चा अध्यक्ष बना दिया। और जब अभी अध्यक्ष बनाया तो मैं तो अपने घर में सो रहा था। तो बीजेपी में इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप लगातार काम करते हैं तो हमारा नेतृत्व अपने आप आपका चयन करता है। आपकी छवि एक बहुत अच्छे किसान नेता के रूप में है, 2 बार आप भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार जो 3 बिल लेकर के आई है, इसको लेकर के जगह जगह धरने प्रदर्शन भी हो रहे हैं और विपक्षी पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। आपकी अपनी जो अलायंस था इतना पुराना शिरोमणि अकाली दल का, उसकी नेता ने इस्तीफा भी दे दिया और आपका अलायंस भी उसके कारण से टूट गया। तो क्या कारण है कि लोगों, किसान इसका इतना विरोध कर रहे हैं? किसी घर में नई बहू आई और नई बहू आती है तो नए नए व्यंजन बनवाते हैं, तो उसको कहा गया खीर बनाओ तो उसने केसर मेवे डाल के बहुत अच्छी खीर बनाई, तो भाई बड़ी बहू को लगा कि इसके तो क्रेडिट बहुत मिल जाएगा, तो उसने घर में अफवाह फैला दी कि इसकी खीर में किसारी डल गई थी, मैंने निकालते हुए देखा। ये आप टिपिकल हरियाणा का उदाहरण दे रहे हो। तो उन्होंने ऐसी, ये देखिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में लिखती है, उनका 7वें अध्याय में 11 नंबर पॉइंट इसी बात का है, 21 नंबर पर वो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की बात करती है। अब इनकी कौन सी बात को ठीक माने? एक तरह से तो लगता है कि ये विचार बदलो लोग हैं, और विचार बदलने के लिए भी मुझे लगता है कि पहले कांग्रेस पार्टी को बैठ कर रेजुल करना चाहिए कि पहले हम गलत थे, माफी चाहते हैं, अब हम ये हैं। दूसरी बात, ये जो इन्होंने जो भरम फैलाया, देखिए 3 कानून आए हैं, 1 APMC Act में सुधार लेकर आए हैं, वो सुधार इस बात का है कि आप मंडी से बाहर बेच खरीद सकते हो, आपको कोई मार्केट फीस नहीं लगेगी, इसी बात का बेसिक सुधार यही है, बाकी तो उसको, उस सुधार को सुरक्षित करने की बात है। तो पहले क्या था कि मैं अपने खेत में से अगर बेचता था तो मंडी के अधिकारी आकर मुझे रोक सकते थे कि आपको मार्केट फीस लगेगी, आप मार्केट फीस की चोरी कर रहे हो, आप नहीं बेच सकते। अब अपने खेत से, खलिहान से, अपने घर से मैं कहीं भी बेच सकता हूं, अपने बाग से, वो मुझे आके परेशान नहीं करेंगे, ये मेरी आजादी है। दूसरा, उस बाकी नियम उसमें सुरक्षित करने के लिए है कि मान लो कोई नगद बेचो बहुत अच्छी बात है, मान कोई उधार कर ले तो उधार 3 दिन में चुकना चाहिए, अगर नहीं चुकता है तो SDM और उसके साथ किसान प्रतिनिधि और व्यापारी प्रतिनिधि बैठकर फैसला कर देंगे, अगर फिर भी नहीं चुकता है तो SDM 5,000 से 5 लाख तक जुर्माना कर देगा,
और वो कोर्ट की बजाय एसडीएम के पार इसलिए ले आए कि वो 30 दिन का समय दे दिया, कोर्ट को आप समय से नहीं बांध सकते हैं, तो बाकी तो उसको सुरक्षित करने के लिए। और दूसरा जो संशोधन है वो आपकी ठेके की खेती के लिए है। खेती तो पहले भी ठेके पर हो रही थी, और अगर आप सारे देश का आंकड़ा देखो तो शायद आधी थे देश की खेती ठेके पे हो रही हो, क्योंकि हम जो नीचे किसी को देते हैं वो भी ठेके पे ही देते हैं। ये पहले भी हो रहा था, नहीं हो रहा था ऐसा नहीं है, उसके लिए एक नियमावली बना दी गई है जिससे ये चीज़ें आसान हो जाए। क्या नियमावली बनाई? मान लो आप मेरे से ठेके पर खेती कराना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराना चाहते हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मान लो आप ज़्यादा धनी कंपनी हो, बड़े आदमी हो, साहब मुझे पैसा दे दो ज़्यादा, और मैं आपके लिए खेती वैसी ना कर पाऊं, तो उसके बदले में आप मेरी जमीन नहीं ले सकते, ये सबसे पहले लिखा गया है। आप मेरे से बंधुआ खेती नहीं करा सकते, ये लिखा गया है। ई रजिस्ट्री से बाहर नहीं जा सकते, ये लिखा गया है। एक फसल से 5 साल तक की आप कॉन्ट्रैक्ट मेरे से केवल कर सकते हो। मैं किसान के नाते फेल हो जाऊं तो मेरे से केवल आप कॉस्ट ले सकते हो। अगर आप व्यापारी के नाते मेरी फसल लेने में फेल हो जाओ तो आपको 1.5 गुना देना पड़ेगा। यानी जितना अच्छा चौधरी छोटू राम सोच सकते थे उतना अच्छा इसमें सोचकर ये नियम बनाए गए हैं। ये हो तो पहले भी रहा था, केवल एक अच्छे नियमों में बांधा है, उसको लीगलाइज कर दिया, लीगलाइज किया है। और जो आवश्यक वस्तु नियम में संशोधन किया गया है वो तो मैं जब किसान मोर्चे में था, बीजेपी जब प्रदर्शन करती थी आलू महंगे होने पे, प्याज महंगे होने पे, तो मेरे साथी कहते हैं यार हमारे दाम बढ़ते हैं जब प्रदर्शन होने लगता है। तो आवश्यक वस्तु वास्तव में किसान से तो संबंध नहीं है, वो अगर उसकी चीज़ें महंगी बिकती हैं तो उसको तो चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी किसान नेता लोग चिंता कर रहे हैं, साहब इसमें क्यों संशोधन कर दिया। दूसरी चिंता इस कानून में ही कर दी गई है, अगर 20 रुपये किलो का टमाटर, मान लो फसल जब आई जब 20 रुपये किलो था और बाद में 40 हो गया, तो सरकार अपनी सारी छूट वापस ले लेगी। जब दाल आई बाजार में, फसल आई, उस समय मान लो 40 रुपये किलो दाल थी और 60 रुपये हो गई, तो सरकार अपनी सारी छूट वापस ले लेगी, क्योंकि ये सरकारों की चिंता होती। जो आंदोलन है वो भ्रम के आधार पर खड़ा किया गया। भ्रम क्या उत्पन्न किया गया? मंडी बंद हो जाएगी, MSP पर खरीद नहीं होगी, बिचौलिए खत्म, ये दो भ्रम पैदा किए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पंजाब में झोने की खरीद चल रही है, 32,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है, और पंजाब की सरकार नौटंकी कर रही है, राहुल जी नौटंकी कर रहे हैं, एक अठन्नी लेकर नहीं गए, 32,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी दे रहा है, भाई नौटंकी भी करो, केंद्र से पैसा भी लो, ये नौटंकी की राजनीति है। अटल जी ने किसान आयोग बनाया, इनकी सरकार आ गई, इन्होंने उस किसान आयोग को भंग किया, MS स्वामीनाथन कमीशन बनाया, MS स्वामीनाथन साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, इन्होंने 6 में बनाया था, 8 में रिपोर्ट दे दी। सर ये MS स्वामीनाथन, मैं आता हूँ 8 में रिपोर्ट दे दी, 8 से लेके 14 तक इनकी सरकार थी, ये 6 वर्षों तक उसको पैरों तले दबाई बैठे रहे। आज ये C2 की बात करते हैं, इन्होंने A2+FL भी दिया था क्या? ये स्वामीनाथन के चोर लोग हैं, इन्होंने ढकोसला करने के लिए कमेटी बना दी, हुड्डा कमेटी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे। हुड्डा साहब ने दिसंबर 2010 को मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंप दी, 4 साल इनकी सरकार थी, उसको भी स्वामीनाथन के नीचे रख दिया। ये किसानों का भला करने वाले नहीं है, इन्होंने कभी अठन्नी भी पहुंचाई क्या किसानों को? मोदी जी 6,000 रुपये डायरेक्ट 2,000 की 3 किस्तों में दे रहा है। राजीव जी जो कह रहे थे कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, इनकी मशीन भी खा जाती थी, आज 2,000 बेचते तो 2,000 पहुंचते हैं, इन्होंने कभी 1 पैसा नहीं दिया। 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, किसी कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी हिम्मत नहीं की, बीजेपी ने हिम्मत की, मोदी जी ने देना शुरू किया, और आज वो किसानों को मिल रही है। फसल बीमा योजना, इतनी बड़ी रकम जो है केंद्र ने देना शुरू किया, आज मेरे किसान के ओड़े पड़ते हैं, पाला पड़ता है, किसान सुरक्षित है। तो ये केवल नौटंकीबाज लोग हैं और झूठ पर राजनीति कर रहे हैं। आपने जो MS स्वामीनाथन रिकमेंडेशन कमेटी की बात कही, उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि जो किसान का इनपुट कॉस्ट है उसका 50% से अधिक उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। हम जो दे रहे हैं वो A2+FL दे रहे हैं। A2 का मतलब है उसकी ज़मीन का ठेका, उसके बीज के पैसे, खाद के पैसे, पेस्टिसाइड के पैसे, सिंचाई के पैसे, उसके जो पूंजी लगी है उसके ब्याज के पैसे, उसके बीमे के पैसे, और जितने भी लेबर लगी है सारा जोड़ते हैं।
ये ठीक है कि वो देश के औसत के आधार पर है, किसी एक राज्य के औसत के आधार पर केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती, लेकिन ये सारा जोड़कर उसका जो 50% बनता है उसके आधार पर ही अब MSP तय हो सकता है, उससे कोई एक पैसा कम नहीं हो सकता। स्वामीनाथन की सिफारिश C2 की थी, लेकिन C2 व्यावहारिक नहीं है ये समझना पड़ेगा। ये आपकी बिल्डिंग की कीमत अलग विषय है, इस बिल्डिंग का किराया अलग विषय है, खेत की कीमत अलग विषय है, खेत का एक साल का किराया अलग विषय है। C2 कहता है कि जो कीमत है उसका ब्याज लगाकर तय करो। अगर मान लो गुड़गावा के आसपास आपके 5-5 करोड़ के खेत हैं, तो 5 करोड़ के खेत का ब्याज लगाकर वो अन्न आपके खाने लायक नहीं बचेगा, उसकी कीमत कहाँ जाएगी। धनखड़ी जी, आप किसान नेता के रूप में आपकी छवि बहुत अच्छी पूरे देश भर में है, लेकिन जब हम किसान की बात करते हैं तो कहने को हम उसको अन्नदाता भी कह देते हैं और उसको हम सपना दिखाते हैं कि आपकी आय हम 2 गुना कर देंगे अगले 2-4-5 साल में। लेकिन आज भी जब किसान वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हमारे ध्यान में आती है दीनहीन हालत में कमर झुकी हुई जर्जर व्यवस्था और कर्जों में डूबा हुआ किसान। देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लाखों करोड़ों रुपये उधार लेते हैं और विदेश चले जाते हैं NPA करके सारा पैसा डुबो देते हैं, लेकिन किसान का 1-2 लाख रुपए का कर्जा उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है और आप जैसे उसको फिर कायर कहते हैं, ये कहाँ तक जस्टिफाइड है सर? देखिए, मोदी जी जब से आए हैं और यहाँ तक की जो उसकी आमदनी है 500 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक प्रति क्विंटल MSP बढ़ा है इन 6 सालों में। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसमें कोई फर्क आ जाए ये बिल्कुल डाटा है, आंकड़ा है आपके सामने। 6,000 रुपये डायरेक्ट देना शुरू कर दिया। हम अपने किसान की आमदनी का बहुत ध्यान रखे हुए, एक बात यही मोदी जी कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो मार्केटिंग का पैसा भी, एक हरियाणा में कहावत है 6 महीने में जितना किसान कमाता है व्यापारी उतना 6 दिन में कमाता है, वो 6 दिन का फायदा भी वो ले ले। तो इस कानून के बनाते समय में भी भूमिका में लिखा है कि 40% आमदनी बढ़ेगी इससे किसान की जो डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा, तो मंडी यूं ही चलेगी, MSP यूं ही रहेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग के बिल बहुत अच्छे हैं, केवल नहीं बिकेगा तो कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा, वो रुकेगा। धनखड़ जी, ये तो होगी कृषि से संबंधित बातें। देश की अर्थव्यवस्था की अगर हम चर्चा करें तो आज GDP -23% चली गई है, हर ओर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, त्राही त्राही बिजनेसमैन के लिए मची हुई है, हमारा एक्सपोर्ट भी घट रहा है और बाकी सरकार की नीतियों के कारण से कहें या देश की जो भी कारण है अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। आप और सपना हम दिखाते हैं $5 trillion इकोनॉमी का, कैसे ये सब संभव होगा? देखिए, ये महामारी आई है सबके ध्यान में और विश्वव्यापी है, कोई हमारे यहाँ ऐसे आई है ऐसा नहीं है, मंदी भी विश्वव्यापी है, लोगों का आना जाना कम हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ है, लोगों की वर्किंग कम हुई है, लोग मितव्ययता पे आ गए हैं कि पता नहीं कितने दिन कैसी स्थिति रहे, ये सब पर असर है। जो इस दौर से निकलेंगे फिर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, जीवन में ऐसे दौर आते हैं कभी ठहरना पड़ता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि जान है तो जहान है, फिर जान भी है जहान भी है, ऐसे जब इकोनॉमी खुल रही है, इकोनॉमी जब अपने फुल फॉर्म पर आएगी तो फिर से हम अच्छे रास्ते पर जाएंगे, बल्कि हम बढ़ेंगे। कई मामलों में हम बढ़े भी हैं कोरोना टाइम में, मेडिसिन के मामले में हम बढ़े हैं, सैनिटाइजर में बढ़े हैं, मास्क में बढ़े हैं, कई खाने पीने की चीज़ों में बढ़े हैं, एग्रीकल्चर की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ही ये खुलेगी तो अब जैसे चाइना से शिफ्ट हो रही है बहुत सारी इकोनॉमी भारत की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग और वो दुनिया का ध्यान जा रहा है, उस चाइना की इमेज थोड़ी ख़राब हुई है इस सारे कारण में, उसके हमारे बॉर्डर पर जो गतिविधियाँ की हैं वो भी कोरोना के कारण से भी विश्वव्यापी ख़राब हुई है, तो उसके कारण से मुझे लगता है कि हमको बेनिफिट होगा और आने वाले कुछ वर्षों में हम देखेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से जो है ग्रो कर रहे हैं। अगर हम NDA की बात करते हैं तो शिवसेना पहले साथ छोड़ गई थी और शिरोमणि अकाली दल ने अभी हाल ही में साथ छोड़ा है और कल की न्यूज़ ये कि बिहार इलेक्शन से पहले LJP ने भी साथ छोड़ दिया, तो आपको नहीं लगता NDA कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि एक समय NDA ऐसी अवधारणा पर गठित हुआ था अटल जी के समय में कि भाई कांग्रेस के साथ जो लोग नहीं जा सकते हैं वो इकट्ठे रहेंगे, और सामान्यतः ये सही वही लोग थे, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने जब कांग्रेस के साथ जाने का समझौता कर लिया तो उस मुख्य अवधारणा को ही वीक कर दिया। तो इसमें से आप शिवसेना को तो उसी तरह से कि वो जिस आधार पर NDA था वो बेस वही था। जहाँ तक शिरोमणि अकाली दल की बात है तो
जब ये गए तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका स्टैंड ये होना चाहिए था कि भाई हम सरकार में बैठे हैं, एक एक दाना हम खरीदवाएंगे, नहीं खरीदो तो जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि एक मिनट, कोई व्यवस्था नहीं बदल रही थी, आज खरीद हो ही रही है ना, कोई व्यवस्था नहीं बदल रही थी, ये वहां के वातावरण के प्रभाव में आ गए। वो एक हमारे यहाँ कहानी चलती है कि एक रियासत में दो कुएं थे, एक का प्रजा पानी पीती थी, एक का राजा पानी पीता था। किसी ने प्रजा के कुएं में कुछ मिला दिया तो सारी प्रजा राजा के खिलाफ हो गए। तो उन्होंने वजीर से पूछा कि भी क्या करें। वजीर बड़ा समझदार था, उसने कहा जी हम भी उसी कुएं का पानी पी लेते हैं। तो ये उसी कुएं का पानी पी गए, ये कैप्टन के कुएं का पानी पी गए। उससे ना तो कोई पॉलिटिकल बेनिफिट होने वाला है अकाली दल को, और ना ही जो है कोई लॉन्ग टर्म में भी कोई, मुझे लगता है कोई फायदा उनको होगा। ये उनसे जल्दबाजी में हो गया मुझे ऐसा लगता है। और बाकी एलजेपी का विषय है, देखिए अभी तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय बहुत बातें होती हैं। इन सब घटक दलों का ये कहना है कि किसान बिल सहित बाकी मुद्दों पर भी हमसे संवाद नहीं किया जाता, संवादहीनता की बहुत बड़ी शिकायत इन सबकी रहती है। पहले बार ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा हूँ जो पूरे देश के साथ संवाद करता है। अपने घटक दलों की तो बात ही अलग है कि दल में बात अलग है, निचले से ऊपर लेवल तक, बल्कि इस टाइम में तो मुझे लगता है कि सबसे वेल कनेक्टेड पार्टी और वेल कनेक्टेड सरकार, नीचे तक लोगों तक, जितने लोगों तक कोरोना के बिना शायद संवाद नहीं होता था उससे बड़ी संख्या के साथ संवाद किया गया और सेवा की गई है। राजनीति में और ज़्यादा संवाद की भी जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये विषय आ रहा है तो जरूर एड्रेस भी होंगे। धनखड़ जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश भर में, पूरे विश्व भर में कोरोना के कारण से लोगों में बड़ी हताशा निराशा सी है, उनके अंदर एक शक्ति का, उत्साह का संचार हो सके, आपकी एक प्रार्थना बड़ी फेमस है स्कूलों में भी और आम लोगों में भी, बड़ी प्रचलित है और बड़ी फेमस है, वो प्रार्थना हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए मैं खुद भी उसी से मोटिवेट होता हूँ, और बहुत छोटी सी प्रार्थना है, आत्मा स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र हो, मुक्त बुद्धि का यंत्र हो, मन भरा हो चाव से, हृदय हरे पेड़ के भाव से। बहुत हाईली इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग आपके विचार हैं, और हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।